तो क्या आपको भी थंबनेल बनाते हुए थंबनेल के लिए मटेरियल ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है? तो थंबनेल बनाते हुए हम इन तीन स्टेप से गुजरते हैं। तो इन तीन स्टेप्स में जो भी मटेरियल चाहिए उसके लिए मैं आपको ऐसी पांच वेबसाइट्स बताऊंगा जिनमें आपको थंबनेल के लिए सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल बनाते हुए पहला स्टेप होता है बैकग्राउंड इमेज लगाना। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं यूज करता हूँ pixels.com वेबसाइट। बैकग्राउंड इमेज के लिए तो और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, जैसा कि अनस्प्लैश और पिक्साबे, लेकिन pixels.com में आपको बहुत अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली pixels.com में जाके बैकग्राउंड या एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड सर्च करना है तो आपको सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। इसमें आपको मोस्टली अच्छे ही बैकग्राउंड मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बैकग्राउंड इमेज के लिए सूट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली आपको अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो थंबनेल बनाते हुए सेकंड स्टेप होता है एलिमेंट्स या आइकन्स लगाना। तो आइकन्स और एलिमेंट्स आपको मिलेंगे freepik.com से। तो आपको freepik.com वाली वेबसाइट में जाके आइकन्स वाली ऑप्शन में जाना है। तो वहाँ पे जाके आप जो भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो थंबनेल बनाते हुए थर्ड स्टेप होता है फॉन्ट्स, जो कि आपको मिल जाएंगे dafont.com में। यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट के लिए सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो फोर्थ वेबसाइट की बात करें तो आपके थंबनेल के लिए बहुत जरूरी है। तो थंबनेल बनाते हुए अक्सर आपको किसी भी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, तो उसके लिए आप remove.bg वेबसाइट यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली वो इमेज अपलोड करनी है जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो फिफ्थ वेबसाइट की बात करें तो उसके थ्रू आप अपने थंबनेल में किसी भी इमेज की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट है cutout.ro। इसमें आप किसी भी इमेज की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको इन वेबसाइट से काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सौरभ जोशी इंडिया के एक बेस्ट ब्लॉगर कैसे बने तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।